हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ अक्टूबर टू 31st ऑफ अक्टूबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 21st टू 31st अक्टूबर। जनरल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। नेक्स्ट 10 डेज करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो, यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st टू 31st अक्टूबर करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। देखिए स्कॉर्पियो, आई फील व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आप या तो आपका काम कुछ थोड़ा इंडिपेंडेंट काम है आपका, आप खुद काम करते हैं दूसरे के साथ, मे बी क्लाइंट्स हैं आपके काम में, बट यू डू नॉट वर्क फॉर अदर पीपल, एज इन लाइक यू आर नॉट वर्किंग अंडर अदर पीपल। ऑफकोर्स दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, विल नॉट रेजोनेट विद एवरी स्कॉर्पियो आउट देयर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका काम आपका पैशन है, आप उसको इंडिपेंडेंटली करना पसंद करते हैं एंड काफी पैशनेट हैं अपने काम को लेकर एंड काफी पॉजिटिव हैं कि हाँ ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूं अगर मैं डिटर्मिनेशन के साथ ये काम आगे भी करता रहूं तो काफी अच्छा हो जाएगा, लाइक मेरा करियर काफी अच्छा जा सकता है एंड काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। सो यू आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी डिटर्मिंड कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूं अगर मैं इसको, एक कहते ना, एक दृढ़ निश्चय के साथ एंड शौक से अगर मैं इस चीज में आगे लगा रहूं, करता रहूं, तो मैं आगे बहुत चीजें अचीव कर सकता हूं। तो मुझे आपका वो डिटर्मिनेशन दिख रहा है, इंडिपेंडेंस दिख रही है, पैशन दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है कि आगे बढ़ते रहना, अचीव कर लेंगे, बस आगे बढ़ना है एंड डिटर्मिनेशन एंड एक हैप्पी वाइब रखनी है काम के टाइम पे क्योंकि ये पसंद का काम है, शौक का काम है, तो ये हैप्पी वाइब के साथ आगे बढ़ना है। तो ये मुझे चीज नेक्स्ट 10 डेज में भी दिख रही हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना एंड चीजें अचीव करना, एंड आई फील आप अचीव कर भी रहे हैं, आप अचीव करते दिख रहे हैं मुझे। व्हेन इट कम्स टू मनी, सॉरी व्हेन इट कम्स टू मनी आई फील आपका काम, आपको देखिए नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कोई नया जॉब, नया क्लाइंट, कोई नया प्रोजेक्ट, वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है एंड आई फील आपकी जो पॉजिटिविटी और डिटर्मिनेशन है काम को जिस तरीके से हैंडल करना और आगे बढ़ते जाना और नेगेटिविटी को अफेक्ट ना करने देना अपने काम को एंड अपने आप को, वो चीज आपको काफी हेल्प कर रही है। तो आपको काम मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ एंड आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी एंड वर्क। सो नया काम आएगा तो पैसा भी आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, ऑब्वियस सी चीज है। ऑल्सो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा आ रहा है आपके पास, बट थोड़ा ना आपको पैसे को लेकर आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा लाइक यू वेरी पोजेसिव अबाउट योर मनी, एज इन आप उसको किसी किसी चीज पे खर्च करते हैं, होर्ड करके रखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट से मुझे इतना पैसा मिला, हो सकता है मुझे नेक्स्ट 4 महीने तक कोई प्रोजेक्ट ना मिले, या हो सकता है मेरी जॉब चले जाए तो नेक्स्ट 4 महीने में क्या करूंगा। सो आई थिंक वो जो आपका रिलेशनशिप है विद मनी वो थोड़ा फ्योर ड्रिवन है कि
कि अगर नहीं आया नेक्स्ट टाइम तो, अगर इतना नहीं आया नेक्स्ट टाइम तो, जो अभी आया है उससे जो चीजें कर सकते हैं वो कर लेते हैं, तो या बचा के रख सकते हैं तो बचा के रख लेते हैं। तो थोड़ा होल्ड करना, थोड़ा प्रोटेक्टिव होना, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, डेफिनेटली है, बट पैसे को लेकर पोजेसिव होना मुझे ये दिख रहा है। खुले हाथ से खर्चा ना करना, जरूरी नहीं है करना चाहिए, नॉट दैट इट्स अ गुड थिंग, बट वाइज स्पेंडिंग होना चाहिए हर किसी का। बट आई ऑल्सो फील देर हैज टू बी लाइक अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद मनी, वेर इन आप ये ना सोच के चलें, हमेशा दिमाग में ये ना रखें कि कल को अगर नहीं आया तो। सो जब आप ये सोच रहे हैं तो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता है कि हाँ आगे नहीं आने वाला है मेरे पास पैसा, तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होती है वो सारी चीजें। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू मैरिज, आई फील पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी है। देखिए, आप जिस भी मैरिज में हैं, आप इमोशनली काफी सैटिस्फाइड हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो या आप दोनों की जो मैरिज है वो काफी इमोशनली बैलेंस्ड है। लाइक आप उनका कप फिल करते हैं, वो आपका कप फिल करते हैं, आप उनको इमोशनली काफी फुलफिल फील कराते हैं, वो आपको काफी फुलफिल फील कराते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि एक ही जना, लाइक आप यू आर जस्ट गिविंग एंड दे आर टेकिंग, नो, गिव एंड टेक बराबर का है। तो काफी इमोशनली बैलेंस्ड, लॉयल, वाइज, विजडम से भरा आपका आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिज है, काफी इमोशनली बैलेंस्ड, कोई एक्सट्रीम इमोशंस नहीं होंगे यहाँ पे कि आपका एक्सट्रीम इमोशन हो या उनका एक्सट्रीम इमोशन हो, नहीं, बहुत बैलेंस तरीके से चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। ऑल्सो मुझे ये चीज लग रही है कि आपका ना थोड़ा डे ड्रीमिंग बहुत है, कई चीजों को लेकर, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन नहीं, विजुअलाइजेशन, या यू नो लाइक डे ड्रीम करना, सोचना, ख्याली पुलाव बनाना, विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, तो ये तरीके होते हैं मैनिफेस्ट करने के। बट मैनिफेस्टेशन का एक और चीज भी होता है कि व्हाइल यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट यू वांट, यू आल्सो हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स। यू कांट बी लाइक कि बेड पे लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम इटली ट्रैवल करेंगे और कर कुछ नहीं रहे हैं, ना पैसे कमा रहे हैं, ना वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस तो एक वो सोचना वर्सेस टेकिंग एक्शन, आई फील यू वांट टू अचीव सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, इट कुड बी योर बॉडी वेट टारगेट कोई आपने सेट करा हुआ है, इट कुड बी ट्रैवलिंग समवेयर, इट कुड बी फाइनेंशियली कुछ आपको अचीव करना है, या कोई प्रोजेक्ट, बट जो आप सोचते हो वर्सेस जो आप एक्शन लेते हो वो सिंक में नहीं होता है। ठीक है। तो इस वजह से जब वो आपको लास्ट में कोई चीज अचीव नहीं कर पाते हैं, या वो जो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि सिंक में नहीं थी एक्शंस एंड व्हाट यू वर थिंकिंग और व्हाट यू वर प्लानिंग, गैप था। किसी मैनिपुलेटिव इंसान से बच के रहना है, कोई मैनिपुलेटिव इंसान, चीटिंग, कनिंग वाइब वाला इंसान हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, जो कि आपको ल्योर करे, आपको बोले कि हाँ ये एक्स वाई जी चीजें अच्छी हैं आपके लिए, ये करो, बट मे बी वो सही ना हो। तो थोड़ा मैनिपुलेशन से, वैसी कनिंग वाइब्स, चीटिंग से बचने की जरूरत है करियर में या मनी में स्पेशली। हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, गला खराब हो सकता है, पैर में लग सकती है कहीं पे, कोई एक्सरसाइज करते हुए, वर्कआउट करते हुए कहीं पे गिर सकते हैं, या कुछ ऐसे ट्रिप कर सकते हैं तो पैर में लग सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं टीली फॉर्चून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग, रेखी, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, एक्ने, गट रिलेटेड इश्यूज हैं आपको, इनडाइजेशन है आपको, या सर्वाइकल है, साइनस है,
या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी की कमी, रिलेशनशिप ट्रॉमाज है, चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, तो ये सारी चीजें इसलिए होती है बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी चूज कर सकते हैं, आप रेकी हीलिंग सेशंस भी करवा सकते हैं मुझसे, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करवाना है, तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है या नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट करती हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड यू वॉन्ट टू कट कॉर्ड्स, ठीक है, तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू फिगर आउट कि आप अपनी लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे हैं अभी, आपका ऑरा किस कलर का है, आप हील कर रहे हैं या किस स्टेज से अभी गो थ्रू कर रहे हैं, ऑल्सो आपका जो चक्रा है वो कौन सा सबसे ज्यादा वीक है, तभी वो अफेक्ट हो रहा है, तभी तबीयत खराब हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये हम ऑरा स्कैनिंग के थ्रू देख सकते हैं। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन हीलिंग प्रैक्टिसेस में बिलीव करें कि हाँ ये काम करेंगी, एंड आप पेशेंस रखें। अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए एंड यू फील के मंडे को हीलिंग सेशन हुआ एंड फ्राइडे तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, या नेक्स्ट फ्राइडे तक 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, देन दैट्स नॉट पॉसिबल। वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, हीलिंग है, मैजिक स्पेल नहीं है, ठीक है। तो क्विक रिजल्ट अगर आप सोच रहे हैं देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू। आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी एज वेल एज हीलर का टाइम एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो आप किस कोई और चीज ऑप्ट कर सकते हैं, बट हीलिंग के लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके यूनिवर्स, प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए। 21 to 31 अक्टूबर मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। कैटरपिलर, देखिए चेंज बेहतरी के लिए है ये, एंड हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत पड़े, एंड आपको ये चीज लाइक इमीडिएटली आपको वो चीज बेहतर ना लगे, आपको लगे कि यार ये तो कुछ कुछ वियर्ड सा लग रहा है। ऑफ कोर्स लगेगा क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी वो चीज आपको एक और बेटर स्टेज की तरफ लेके जा रही है, आपको बेनिफिट कर रहा है वो चेंज, ठीक है। सो चीजें अगर अभी खराब चल रही हैं या जैसी भी चल रही हैं, चेंज आएगा एंड वो आपको सक्सेस की तरफ और बेहतर चीजें बनाने की तरफ लेके जाएगा। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। कोई भी अगर आपको बोलता है कि आप एक्स वाई जी चीज अचीव नहीं कर पाओगे, या कोई आपको डराता है, या आपको कोई डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, सो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डू नॉट बैक डाउन, डू नॉट क्विट, एंड हिम्मत दिखाइए, स्ट्रेंथ दिखाइए, फोर्टिट्यूड दिखाइए, बोलिए दूसरे को कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा। सो आपका चाहे वो काम को लेकर हो गया, पैसे को लेकर हो गया, मैरिज को लेकर हो गया, मैन्युपुलेटिव वाइब्स हैं, कोई मैन्युपुलेट कर रहा है, तो मैन्युपुलेशन में मत फंसिए। उस इंसान को बोलिए, बाउंड्रीज ड्रॉ करिए, बोलिए कि मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो एंड आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग दिस, सो प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट, ठीक है। सो ये नहीं कि अपना रास्ता चेंज कर लें, होता है कई बारी, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे। कई बारी इंसान बहुत ज्यादा कनिंग होता है एंड उस टाइम पे ये चीज सही होती है डिसाइड करनी कि हाँ ठीक है, मेरे पास अभी टाइम एनर्जी नहीं है इससे डील करने का, सो आई विल लेट दिस पर्सन डू वट एवर दे वॉन्ट टू एंड आई विल प्रॉब्ली चेंज माई रूट, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज। न्यूज इज ऑन द वे, कोई न्यूज मिलने वाली है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, मे बी थ्रू डीएम, थ्रू ईमेल, कॉल, नोटिफिकेशन, आई एम नॉट श्योर, लेटर, बट कोई न्यूज का आप वेट कर रहे थे एंड वो न्यूज आपको मिलने वाली है। मे बी अ न्यू क्लाइंट और इंक्रीमेंट, और आई एम नॉट श्योर, कहीं पे एजुकेशन का कुछ
एडमिशन हो गया है, जॉब, समथिंग, कुछ भी हो सकता है। स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस। 21st to 31st अक्टूबर स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग अप। देखिए, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए पाथ ओपन अप होंगे आपके लिए। यूनिवर्स का काम है ये कि वो हर इंसान की तरफ अपॉर्चुनिटीज थ्रो करे। अब वो इंसान का काम है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है सही टाइम पे या नहीं, या उस टाइम पे लेथार्जिक होता है और सोचता है बाद में करेंगे। नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। सो अभी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड नई नई चीजें, नए पाथ, आगे निकलने का रास्ता। अब कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अगर आप उस चीज को ऑप्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड है हमारे पास, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, चेंज इज कमिंग। तो यूनिवर्स एक तरीका देगा आपको अपनी लाइफ में चेंज लाने का। उसको उसका क्या करना है वो आपके ऊपर है। वीपिंग विलो, टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सोरो, फैमिली सोरो। देखिए, हो सकता है कोई आपकी लाइफ में से ट्रांजिशन कर रहा हो, ठीक है। हो सकता है कोई बहुत बीमार हो एंड उसकी ट्रांजिशनिंग हो रही हो, लाइक फ्रॉम फिजिकल रेलम, 3D वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, वहां से स्पिरिचुअल रेलम में। या फिर फैमिली सोरो, पर्सनल सोरो, ये भी हो सकता है कि कोई पैसे का बहुत नुकसान हो जाए, प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग कुछ वो नुकसान हो जाए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई ट्रांजिशन करने वाला है, ट्रांजिशन करने वाला है, या फिर शायद किसी की तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, तो उसमें एक सैडनेस का माहौल हो सकता है उस चीज को लेकर के। अच्छा, हाँ, इस इंसान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो वो थोड़ी सी वाइब भी मुझे दिख रही है। मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।